ठीक है, अभी हम दूसरा टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं ना, टॉपिक चेंज मत करिए। कौन बोल? नाकुर की ना काट देते हैं, नाकुर कती छुलो छ तब आज का क्या चला? खेत जाने खेत कौन जी कर ब्लॉग मजाक नहीं कर रहा, आई एम सीरियस। उधर युद्ध चल रहा है रशिया यूक्रेन का, खेत में बम तम गिरा दिया तो उड़ जा रहा। तो यहाँ पे भी हम चाय लेकर आ गए हैं ना, इस टाइम पे हम लोग बातें करते, लड़ाई भी होता हम लोग का, एंड ज्यादातर हम लोग अपने बिजनेस से रिलेटेड बातें करते, ये टाइम भी वही बात ज्यादा होता। नहीं खाएंगे, हस्बैंड पूछ रहे थे आज कहाँ जाना है, तो हम बोले आज हमको खेत जाना है, विराट नगर के गाँव में जाना है हमको। तो यहाँ पे हम लोग चाय पी रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग का डिस्कस ही होता है बात करने से ज़्यादा, ऐसे ही कोई ना कोई बात से। तो बस हम लोग का मॉर्निंग कुछ ऐसा ही रहता है, एंड चाय पीने के बाद हम अपने बेडरूम में आ गए हैं, तो यहाँ पे हम बेड क्लीन करेंगे एंड सबको ठीक करेंगे, तो अभी वही कर रहे हैं। एंड जैसे कि हम बहुत लेट जागे, मेरा तबीयत ठीक नहीं था इसी वजह से, तो मनीषा सारा काम कर ली थी, कुकिंग का सारा काम वो कर ली थी। तो फाइनली ये रूम का बेड हो गया, तो अभी हम दिया के रूम जा रहे हैं, तो उसका सारा टॉयज सब कुछ ऑर्गेनाइज करके अच्छे से रखना है। उसका रूम का तो डेली का वही काम रहता है, डेली टॉयज ऑर्गेनाइज करो एंड सब कुछ जितना भी अच्छे से रख दो, फिर तो वही सब कुछ निकाल लेती है खेलने के लिए। तो यहाँ भी हम दिया के रूम आ गए हैं एंड उसका रूम क्लीन कर रहे हैं एंड सारे टॉयज सब कुछ ऑर्गेनाइज करके रख रहे हैं अच्छे से। तो आप लोग बने रहिएगा पूरा ब्लॉग में, बिना स्किप किए हुए पूरा ब्लॉग जरूर देखिएगा। तो कुछ ऐसा ही होता है मेरा मॉर्निंग रूटीन, एंड जिस दिन हम लेट जागते उस दिन मनीषा ही सब कुछ कर लेती है, कुकिंग का काम वो कर लेती है एंड फिर हम जागते हैं, तो जो काम बचा रहता है वो करते हैं। तो अभी मॉर्निंग के 9 बज रहे हैं एंड अभी मेरा दोनों रूम का क्लीनिंग हो गया एंड बेड भी सब ठीक कर लिया है एंड चाय भी हो गया, चाय भी पी लिया। तो अभी हम आ गए यहाँ पे, तो अभी हम सिंदूर बिंदी लगाएंगे एंड उसके बाद देखते हैं आगे का क्या करना है। बहुत लेट जागे हैं आज, लेट जागने के बाद सारा काम बहुत लेट हो जाता है, तो बस यही सब है। तो अभी जल्दी से हम सिंदूर लगा लेते हैं एंड फिर जाते हैं किचन में। तो अंधिया मेरे ड्रेसिंग टेबल में एक भी चीज़ मेरा रहने नहीं देती है, एक चीज़ आज उसी जगह पर रहता है, कल हमको मिलता नहीं है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे दिया का खाना है दाल चावल, तो अभी जा रहे उसको खिलाने के लिए। तो अभी हम लंच कर लिए एंड हस्बैंड भी लंच करके अपने काम पे चले गए एंड दिया नीचे, अभी हम छत पे आए धूप सेकने के लिए, थोड़ा सर्दी लग रहा था इसलिए, एंड लंच भी कर लिए हम। तो अभी छत पे थोड़ी देर बैठेंगे एंड रात को पूरी रात सो नहीं पाए, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था अचानक से, रात को 12 बजे करीब बहुत ज़्यादा मेरे पेट में पेन हो रहा था इसी वजह से, तो पूरी रात इसी तरह निकल गया, सो ही नहीं पाए, नींद भी पूरा नहीं होता, इसलिए मॉर्निंग में लेट जागे एंड फिर जब तक हम जागे तो मनीषा बाकी काम कर ली थी एंड कुकिंग भी कर ली थी, खाना भी वही बना ली थी, क्योंकि अभी उसका कॉलेज नहीं है तो वो अभी घर ही रह रही है, तो इसलिए वो उससे जितना काम होता है वो कर लेती है। एंड फिर हम जागे तो फिर जो बाकी काम था वो सब हम किए। तो बस अभी इसी तरह से दिया भी खाना खा ली है, तो बस तो उसके लिए पैर कहाँ है जो लगाइएगा, पैर कहाँ आप छठ में लगाने के लिए मारने वाला जो है ना, ये सब चीज में आप ही को इंटरेस्ट है, ये मार्क्स को क्यों उसमें रखे है, कोरोना लगेगा ना भूकंप मार्क्स निकालिए
कोरोना का असर सबको हो रहा है, इसीलिए सब कुछ में मास्क लगाना जरूरी है। एक तो बच्चा बनाने के लिए इतना मेहनत करना पड़ता, दुनिया का अनोखा बच्चा नहाने के डर से पहले ही छुपी हुई है। इसको क्यों हंसी आ रहा है, पागल हो गई। अभी दिया नहाने वाली है, दिया को नहाने के लिए यहाँ पे तीन तीन जन हम लोग रेडी हैं, क्योंकि उसको नहलाना दुनिया का सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है हम लोग के लिए। दियो जा उसको डस्टबिन में डाल के आओ। जब आपको पता है कि दो दिन के बाद बाहर जाना है तो आइसक्रीम खाने का क्या जरूरत है? दो दिन के बाद बाहर जाएगा तो आइसक्रीम नहीं खाएगा लो। हम सच्ची बोलते, मजाक नहीं करे। जब आपको पता है कि दो दिन में उसको भी आइसक्रीम खिला रहे, सर्दी लगेगा तो फिर जाइएगा कैसे? तो नेपाल विद्युत प्राधिकरण दोनों ना एक नेपाल विद्युत प्राधिकरण का आईपीओ आ रहा है। आईपीओ से क्या करना है अभी? कम से कम एक आदमी को ठीक है। अभी हम दूसरा टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं ना, टॉपिक चेंज मत करिए। कौन बोला आपको आइसक्रीम खाने? खुद भी खाइए, और उसको आप खुद खाए तो फिर दिया को क्यों दिए? अच्छा है, सर्दी जुकाम लगेगा फिर जाइएगा अच्छे से। सर्दी जुकाम लगेगा फिर जाइएगा, दोनों को रास्ते में उतार देंगे। सर्दी जुकाम लगा तो उस दिन नहीं खाएंगे ठीक, और रास्ते में दोनों को उतार देंगे, हम लोग चले जाएंगे। मम्मी बाय 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 बाय। दिया आइसक्रीम मत खाओ, रख दो रख दो, पापा को दे दो, जाओ पापा को दे दो। कस्तो लागे चिसो लागे चिसो लागे तो सच में हमको बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा है। हम लोग को दो तीन दिन में बाहर जाना है, एंड ये मेरे हस्बैंड एंड दिया दोनों ही आइसक्रीम खा रहे। कल भी आइसक्रीम खाए, सर्दी जुकाम लग जाएगा तो फिर जाना मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, तबीयत खराब हो जाएगा। लेकिन ये लोग को सुनना ही नहीं है, दोनों पापा बेटी ऐसे ही है, मेरा बात का कोई वैल्यू ही नहीं करते बस। तो चलिए मिलते हैं एक और ब्लॉग में, ये ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। ये ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए बाय।